हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम सो दिस इज लेक्चर नंबर सेवन फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज एंड इसके अंदर भी हम पांच एमसीक्यूज को दोस्तों डिस्कस करेंगे पांच से दस एमसीक्यूज रहते हैं हर लेक्चर के अंदर किसी के अंदर दस भी होते हैं किसी के अंदर पांच होते हैं छ सात आठ दैट डज नॉट मैटर मैटर ये है कि लेक्चर्स uh, को छोटा रखना है ये एक प्राइमरी गोल uh, है जो अपलोडेड uh, लेक्चर्स हैं उनको हम जितना हो सके शॉर्ट रखें आइडिया बिहाइंड मैं uh, जो शेयर कर चुका हूं आपके साथ पहले भी कि ये है कि अपनी सेल्फ स्टडी के बीच में ट्रैवलिंग में या जब भी आप रिविजन के मोड में हैं तभी एमसीक्यू वीडियोज आप देखो क्विक रिविजन होगा क्विक आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है ठीक है बहुत ज्यादा लंबी वीडियोज इसीलिए यहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं इनके 2000 है, अगर आप एग्रीकल्चर का आपके लिए एमसीक्यू बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं और अभी विद इन फ्यू डेज ये टू थाउजेंड प्लस जो है वो थ्री थाउजेंड प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यूअसली हम इसके अंदर डाल रहे हैं अल्टीमेटली एम ये है कि हम आठ से नौ हजार क्वेश्चन पे इसको लेकर के जाएंगे जो सब्सक्रिप्शन आज लेगा प्राइस में रहेगा। उसके लिए फिर price increase या उसको हम अलग से कोर्स लेने को नहीं बोलेंगे कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंगी ऑफ वीट इनमें से कौन सी वेराइटी जो है ये वीट की हाई ये वेराइटी नहीं है ऑप्शन ए सोनालिका बी रत्ना सी कल्याण सोना डी गिरिजा इन e, अनव आपको बताने है कि कौन सी वीट की एच वाई नहीं है ठीक है वीट की एच वाई नहीं है नॉट इसके ऊपर ध्यान रखिएगा तो फैक्चुअल uh, क्वेश्चन है अगर वेराइटीज के बारे में पढ़ा देन यू कैन डेफिनेटली आंसर इट द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज रत्ना रत्ना जो है ये वीट की वेराइटी नहीं है क्योंकि रत्ना जो है ये किसकी वेराइटी है ये राइस का वेराइटी है बाकी अगर आप देखो सोनाली का कल्याण सोना गिरिजा ये सब जो है वीट एच वाई वी में आ जाएंगे लेकिन राइस जो है आपका राइस क्या हो जाएगा सॉरी रत्ना क्या हो जाएगा वो राइस का वेरायटी है मीडियम ग्रोइंग वेराइटी है वन थर्टी टू वन थर्टी फाइव डेज लेता है ग्रो करने के लिए और बिहार एम पी आसाम वेस्ट बंगाल उड़ीसा यूपी पंजाब हरियाणा तमिलनाडु इन सब स्टेट्स के अंदर बहुत वाइडली इस पर्टिकुलर वेराइटी को यूज किया जाता है जो आपका राइस का वेराइटी है रत्ना सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे क्विकली ये एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन है और क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बुफेलो ब्रीड आपको गुजरात के साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर मिलता है ठीक है गुजरात के साउथ वेस्टर्न पार्ट तो साउथ वेस्टर्न पार्ट बेसिकली ये इस एरिया की बात कर रहा है ओके तो कौन सा है ऑप्शन ए इज इज मुर्रा बी भदावरी सी इज सुरती डी इज इज तोडा एंड ई नन ऑफ दी अबव अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनिमल ब्रीड बुफेलो ब्रीड स्पेसिफिकली यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा सूरती और मैं ये एक बात आपको बार बार बोल रहा हूँ सॉरी आई एम डाइवर्टिंग कि क्वेश्चन जब देख लेते हो तो एक बार उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करो रो एम सी क्यू इसीलिए अपलोड करते हैं हम ठीक है नहीं तो थ्योरी करा देंगे है ना एम सी क्यू अपलोड इसीलिए होता है ताकि आप क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके आप उसको कर सको तो सूरती ब्रीड ये आपके सामने यहाँ आप पर इमेज है बेसिकली कह रहा है बरोदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के में मिलती है आपको शेप इसकी ठीक होती है उल्टी सीधी शेप नहीं होती है मीडियम साइज एनिमल है ओके एंड हेड इसका कंपैरेटिवली लंबा होता है आइज प्रोमिनेंट मतलब कि गुड फाइनली ओपन आइज होती हैं ठीक है हॉर्न इसके सिकल शेप होते हैं इस तरीके से है ना एंड मॉडरेटली लॉन्ग बहुत ज्यादा लंबे नहीं बहुत ज्यादा छोटे नहीं और फ्लैट होते हैं जैसे जनरली सींग इस तरीके से खड़े होते हैं ना इसके खड़े नहीं है क्योंकि सिकल तो फ्लैट आपको दिखेंगे उसके अलावा ब्लैक या ब्राउन कलर में आपको मिलती है एंड uh, इसके दो वाइट कॉलर आपको मिलेंगे एक तो जॉ के पास और दूसरा एट द ब्रिस्केट ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कोई नहीं पूछता है कॉलर वॉलर एवरेज मिल्क थोड़ा सा याद रख लीजिएगा सत्रह सौ के जी पर ईयर का रहता है एज एट फर्स्ट काल्विंग फोर्टी टू फिफ्टी मंथ्स की है एंड इंटर कॉलविंग जो पीरियड होता है वो चार सौ से पांच सौ दिन का होता है ये कुछ फैक्ट्स हैं छोटे छोटे जो पेपर में वो पूछ लेता है थर्ड क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे तो इतना एक्सपेक्टेड होता है कि यार ये क्वेश्चन वो गलत नहीं करेगा ये संडे ट्रीट क्वेश्चन होते हैं कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जो वो देता है कि हाँ यार ये सारे बच्चे कर लेंगे ठीक है सौ में से निन्यानवे बच्चे उसको करके आएंगे सिल्क के कल्चर को क्या कहा जाता है एपीकल्चर हॉर्टिकल्चर पीसी कल्चर सेरी कल्चर नॉन ऑफ सेरिकल्चर वेरी बेसिक क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि एप्रीकल्चर में क्या होता है हॉर्टिकल्चर में क्या होता है पीसी कल्चर में क्या होता है सेरी कल्चर में क्या होता है अगर नहीं पता तो यू आर एट अ वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन तो अभी आपको प्रिपरेशन काफी अच्छे से करने की जरूरत है द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन डी सेरिकल्चर ठीक है जी सेरीकल्चर यहां पर आ जाता है सेरकल्चर जिसको हम सिल्क फार्मिंग भी बोलते हैं या रेयरिंग ऑफ सिल्क वम्स बोलते हैं ठीक है सिल्क वॉम्स बेसिकली आर द इंसेक्ट्स दैट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क अब इसके अंदर अलग अलग वेराइटीज ऑफ सिल्क वॉम यूज किए जाते हैं अलग अलग स्पीशीज यूज किए जाते हैं लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सिल्क वॉम स्पीशीज यूज होती है वो है बॉम्बेक्स मॉरी ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है चाइना और इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स हैं और ये दोनों देश दुनिया का 60 परसेंट सिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो पहले नंबर पर चाइना सिल्क प्रोडक्शन में और दूसरे नंबर पर इंडिया है ये भी याद रखिएगा चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाए आपको बताना है कि इनमें से गिवन ऑप्शन में से में कौन सा फाइबर क्रॉप है आपको क्या बताना है कि इनमें गिवन ऑप्शंस में कौन सा फाइबर क्रॉप है ए जूट शुगर केन लिंसेड राइस बी कॉटन मेज टोबैको बनाना सी कॉटन हेम्प जूट एंड मेस्टा डी हेम्प कॉटन मेज एंड सेफरॉन एंड ई इज न कौन सा फाइबर क्रॉप है ठीक है बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर की रिक्वायर्ड है खारिफ क्रॉप राबी क्रॉप फाइबर क्रॉप ठीक है ये सब पता होना चाहिए कौन से कैटेगरी के, के अंदर आते हैं फूड ग्रेन पल्सेस ऑयल सीड क्रॉप्स कौन से हैं कैश क्रॉप्स कौन से हैं ये सारी नॉलेज होनी चाहिए सो फाइबर क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होते हैं जिनसे फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है फाइबर जो बेसिकली पेपर मेकिंग में कपड़ा बनाने में रस्सी बनाने में यूज होता है और कॉटन फ्लेक्स हेम्प जूट सिसल ये मेनली वो क्रॉप्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ फाइबर तो कॉटन हेम्प जूट मेस्टा ठीक है ये फाइबर क्रॉप्स की कैटेगरी के, के अंदर आपके आ जाते हैं ठीक है देखो शुगर केन तो क्लियरली बाहर कर दो यहां बनाना दे रखा है यहाँ सेफरन दे रखा है तो अगर बिल्कुल थो, थोड़ी बहुत नॉलेज है ना एग्रीकल्चर की तो ये क्वेश्चन मुश्किल कैटेगरी में नहीं आएगा फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी द मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल इन इंडिया इज मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड का क्या मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा सीरियल क्रॉप कौन सा इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है ऑप्शन ए इज राइस बी वीट सी बाजरा डी मेज अच्छा इस तरह के क्वेश्चन ना कभी भी ना इस बेसिस के ऊपर नहीं करने चाहिए कि आप क्या खाते हो ठीक है या आपके आसपास के लोग क्या खाते हैं जनरली जनरली हमारी आदत पते क्या होती है हम इसको आंसर कर देते हैं हम हमारी रेगुलर ईटिंग हैबिट्स को देख के या हमारे रीजन या हमारे आसपास के लोगों की ईटिंग हैबिट देख करके अब अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो मैं तो देखो हमारे हम हम एज अः फैमिली हमारे घर में ज्यादा वीट यूज होता है नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे तो ज्यादा वीट यूज होता है ठीक है रोटी खाने की आदत होती है यहाँ पर लोगों को ठीक है लेकिन अगर हम यहां पर पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेपल सीरियल कंज्यूम होता है इंडिया में वो राइस है एंड ग्लोबली भी ठीक है ग्लोबली भी और एशिया के अंदर तो राइस वैसे ही बहुत ज्यादा यूज होता है और इसीलिए एशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में दुनिया का 90 परसेंट राइस एशिया में प्रोड्यूस होता है और इस नब्बे में से भी पचास से चालीस पचास परसेंट जो है चाइना और इंडिया का आ जाता है ओके और राइस क्रॉप ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा इसका ट्रेड नहीं होता क्यों क्योंकि जितना ये प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि वो उन्हीं कंट्रीज के अंदर डोमेस्टिक डिमांड को ही फुलफिल करने में यूज हो जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार नबार्ड आईबीपीएस एफओ के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि भाई मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टेपल सीरियल इंडिया में क्या है तो आप क्या कह दोगे राइस है ओके सो विद दिस वी आर डन विद द फाइव क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर का फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो टेलीग्राम व्हाट्सएप मेल कुछ भी करो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ठीक है ग्रो करेंगे तो आगे और बहुत बढ़िया कंटेंट लेकर के आएंगे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय